दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरवी। तो आज का टॉपिक है कि हम पाइनियर के हेड यूनिट को कैसे अपडेट करें, लेटेस्ट वर्जन जो उसका आया हुआ है ऑलरेडी, और जिसने अब तक नहीं किया है और जिसने अब तक ट्राई किया और अब तक नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं वीडियो उसी के ऊपर रहेगी। तो जिस भाई ने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके आगे लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। तो हम बात करते हैं इस एपिसोड में कि आपको पाइनियर अपना हेड यूनिट है उसको कैसे चेक करें कि आपका जो हेड यूनिट है वो अपडेट के लिए आ चुका है या उसको अपडेट की नीड है। ये सारी चीजें सबसे पहले अपना अपने गाड़ी का जो पाइनियर का हेड यूनिट है उसका मॉडल नंबर उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करना है दोस्तों। हाँ जी, वेबसाइट पे जिसका ना, जैसे इंडिया के अंदर मैं हूँ तो इंडिया में पाइनियर इंडिया आपको अपने गूगल सर्च में या आपका जो भी वेब लिंक है उसमें सर्च करना है, पाइनियर इंडिया डालना है, गूगल पे ही डाल दो सीधा तो आपको वेबसाइट आ जाएगी। आप क्लिक करोगे तो उसका पूरा एक पोर्टल सा खुल जाएगा, उसके अंदर जाओगे तो स्टीरियो लिखा होगा, वो मैं आपको बताऊंगा अगर धीरे धीरे जैसी वीडियो आगे बढ़ेगी मैं सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन एक रफली एक समरी सी दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप जैसी वेबसाइट पर जाओगे आपने स्टीरियो पे क्लिक करना है, स्टीरियो पे देखोगे आपका जो मॉडल नंबर है वो कौन सा है, आप उसको क्लिक करोगे, वहां जाओगे देखोगे बहुत सारे मॉडल हैं पाइनियर के, तो वहां जाओगे उसको क्लिक करोगे तो आप देखना कि उसके नीचे फ्रॉम वेयर लिखा होगा सॉफ्टवेयर उसका अपडेट, अगर वो मौजूद है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, अगर नहीं है तो वो कैपेबल नहीं है, मतलब कि वो उस अपडेशन के लिए नहीं बना हुआ आपका सेट। तो आप गूगल सर्च में सीधा भी अपना पाइनियर मॉडल नंबर भी लिख सकते हो तो वो भी पूरा सीधा सेट खुल जाएगा और उसके नीचे लिखा होगा कि आपका सेट कैपेबल है अपडेशन के लिए या नहीं है। तो बात तो ये हो गई। अब बात करता हूँ कि आपने क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले आपने पेन ड्राइव लेनी है, पेन ड्राइव के अंदर सिर्फ वही सॉफ्टवेयर होना चाहिए पाइनियर का और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना कोई गाना, ना कोई भी एक GB की कोई भी फोल्डर नहीं होना चाहिए, सिर्फ पाइनियर का जो अपडेट आप डाउनलोड करोगे वही होना चाहिए फोल्डर, अदरवाइज कोई भी नहीं होना चाहिए ना, अदरवाइज आपका अपडेट नहीं होगा। तो ये है। प्लस आपकी जो पेन ड्राइव का फॉर्मेट है वो FAT32 में होना चाहिए, अधिकतर FAT32 में ही होती है पेन ड्राइव, फिर भी आप पेन ड्राइव में जाके राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टी में जाके आप चेक कर सकते हो कि FAT32 है या नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा। वीडियो जैसे बढ़ेगी तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो फिर देरी ना करते हुए मैं समझाता हूँ, और सारे सेटों की अपडेट ऐसी ही होगी दोस्तों, कोई ये नहीं है मेरा 8890 BT है, अगर 8490 है, 8690 है या जो भी लेटेस्ट वर्जन का है, सब में एक ही रूल कैपेबल और लगेगा, वही फिट फॉर्मूला होगा, वैसे ही अपडेट करना, बस सबके फर्मवेयर अलग अलग है, वो आपको डाउनलोड करना है साइट से। तो फिर चलते हैं, करने से पहले आपको फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपने क्या करना है, पाइनियर इंडिया, मैं इंडिया से रिलेटेड हूँ तो इंडिया में जो चलता है वर्जन हमारा 90 हो जाता है, जैसे बाहर का जो भी होगा, जैसे मेरा 8890 है तो बाहर US वगैरह कहीं और है तो 8850 रहेगा, तो हमारा इंडिया के लिए 90 कोड है। तो पाइनियर इंडिया में चला गया, ये वेबसाइट आ गई, तो आपको स्टीरियो में जाना है, तो ये स्टीरियो को मैंने क्लिक कर दिया तो ये स्टीरियो चला गया। तो आपको अपना जो भी आपने हेड यूनिट लगा रखा है उसके पास जाना है, मतलब कि जरूरी नहीं कि हर एक हेड यूनिट आपका अपडेट होएगा, जो पाइनियर ने रिकमेंडेड कर रखा है वही हेड यूनिट आपका अपडेट होएगा। तो मैं अपना ढूंढ रहा हूँ 8890, तो मेरा 8890 कहाँ है मैं वो चीज़ देखूँगा, तो मैं नीचे जाए जा रहा हूँ, तो ये आ गया मेरा, तो ये मेरा 8890 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा तो मेरा क्लिक हो गया। तो आप जैसे नीचे देखोगे इधर पीछे, हाँ, तो व्यू इन कार आपको फोकस आ रहा होगा, डाउनलोड रिसोर्सेज और फ्रॉम न्यू फॉर्म, तो फ्रॉम वेयर मतलब कि आपको इस पर इसको क्लिक करना है, कई सेटों पे नहीं आएगा क्योंकि वो अपडेटेड वाला नहीं है, तो मेरा ये वाला अपडेटेड वाला है तो मैं इसको अपडेट करूंगा, तो ये डाउनलोड फ्रॉम द गूगल ड्राइव, तो मैं इसको अब डाउनलोड कर लूंगा। और एक बात जरूर ध्यान रखना कि आपकी पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही फाइल होनी चाहिए, अगर गाने हुए कुछ भी एक KB का कुछ भी हुआ तो आपका ये डाउनलोड नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा। तो ध्यान रखना
पहले अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देना, उसके बाद में पेन ड्राइव में ये डालना। तो मैं इसको अब डाउनलोड कर लेता हूँ। वो आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा। 206 MB की फाइल है ये। तो ये डाउनलोडिंग हो रही है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों फाइनली मेरा डाउनलोड हो गया। तो ये रहा AVH8890। तो इसको हम क्लिक करेंगे शो फोल्डर। तो ये GPS फाइल में है, तो अब इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो एक्सट्रैक्ट हम सीधा अपनी जो पेन ड्राइव है उसके अंदर करेंगे। और पेन ड्राइव को पहले फॉर्मेट मार लेना है, सिर्फ यही फाइल होनी चाहिए वरना नहीं अपडेट होगा आपका। तो ये हमारा सीधा ही एक्सट्रैक्ट हो रहा है हमारी सीधा पेन ड्राइव में। थोड़ा टाइम लेगा, वो आपके लैपटॉप की स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो होने देते हैं इसको। तो दोस्तों एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, आपकी पेन ड्राइव FAT32 में फॉर्मेट होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं ये सपोर्ट करेगा। तो अधिकतर FAT32 में ही फॉर्मेट रहती है हमारी जो पेन ड्राइव है। नहीं भी हो तो आप पेन ड्राइव की डिटेल्स में जाके उसको FAT32 कर सकते हो, कोई ऐसा बिग डील नहीं है। तो ये मेरी एक्सट्रैक्ट ऑलमोस्ट हो गई 99 और ये बिंगो 100 एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो ये फाइल बन के आएगी, आपने ये फाइल अपनी पेन ड्राइव में डालनी है। उसके बाद में आपकी पेन ड्राइव पूरी फॉर्मेट होनी चाहिए और सिर्फ वही फाइल होनी चाहिए ये वाली, तो ही आपका इसके डाउन वो मतलब कि हमारा अपडेट होएगा। अदरवाइज आप भूल जाओ, फिर करप्टेड दिखाता रहेगा। बाकी मैं अब डाल देता हूँ मैं पेन ड्राइव इसके अंदर, तो फिर उसके बाद में क्या प्रोसेस होने वाला है पूरा हम देखते हैं। तो दोस्तों अब पेन ड्राइव मैंने डाल दिया है। तो अब पेन ड्राइव डालते ही हमने क्या क्या चीज़ें करनी है तो मैं अब आपको बताता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। भी हमने फाइल अपडेट कर दी है तो वो स्टार्टिंग हो गया है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो उसको टाइम लेने दो। कोई इंजन ऑफ मत करना, ना इसको यहाँ से वो करना, ना कुछ मत करना, वरना कुछ ना कुछ उल्टा आ जाएगा। फिलहाल ये हो गया है। तो इसमें लिखा भी है फेलियर डोनिंग अपडेट में रिजल्ट इज प्रोडक्ट डैमेज, प्लीज रीड द फ्लोइंग केयरफुली। तो ये सारी चीज आप एक बार पढ़ लेना, उसके बाद में स्टार्ट करना। तो मेरा वर्जन है 1.05, तो ये चला जाएगा 1.07। तो इसमें क्या क्या लिखा है मैं दोबारा डू नॉट डिस्कनेक्ट USB डूरिंग अपडेट, डू नॉट ड्राइव द कार डूरिंग अपडेट, डू नॉट टर्न ऑफ द इंजन डूरिंग अपडेट, डू नॉट रीसेट द प्रोडक्ट डूरिंग अपडेट। तो भाई साहब वाट लग सकती है, पहले ही वार्निंग कर रहा है। तो मैं स्टार्ट का बटन दबाता हूँ, तो चलते हैं। ओ लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट हो गया, ज्यादा ही प्रेस मांग रहा था। अब इसको ऑन दो, पूरी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा टाइम लेगी तो ऑन होने में, देखते कितना टाइम लेते हैं। तो स्टार्ट हो गया, तो ऐसा कुछ अपडेटिंग का आ जाएगा, तो उसको होने दो, टाइम लेगा। जिसको जो पढ़ना है पढ़ सकते हो अगर समझ में आ रहा हो तो। पेशेंस रखने पड़ेंगे, जहां तुमने उल्टा सीधा कर दिया वहां दिक्कत आ जाएगी दोस्तों। तो वर्जन मेरा 1.05 था, तो 1.07 अभी चल रहा है लेटेस्ट। अभी इस टाइम 2021 है, ये 2018 या 17 का वर्जन अपडेट हो रहा है। अभी तक तो कोई नया नहीं आया जो इसकी साइट थी, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि कौन सी साइट पे आपको जाना है, कहां से क्लिक करना है, कहां से क्या सारी चीजें करना है। तो वेट एंड वॉच। 79, 80 ऐसे ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। तो बुंड पंगे नहीं लेने दोस्तों, ध्यान रखना। गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह खड़ी करना कभी आप गाड़ी स्टार्ट करो और ये पार्क्ड हो जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। तो होने देते हैं। तो 88, 89 तो 97, 98 और ये 100। अब देखते हैं क्या आ गया। तो अपडेट द कंप्लीटेड आ गया है वर्जन 2। ये प्रेस होम टू रीसेट द प्रोडक्ट, तो मेरे को होम बटन दबाना पड़ेगा इसका। तो
मैं होम बटन दबा देता हूँ। तो ये होम बटन दब गया, तो घबराना नहीं है दोस्तों, लेगा दोबारा टाइम लेगा, बंदा होपलेस हो जाता है कि स्क्रीन ऑफ हो गई, पता नहीं क्या होगा। तो ये पाइनियर दोबारा लिखा आ गया, तो लोडिंग हो रहा है, कीप पेशेंस, तो रीड ऑल द सेफ्टी, वही जो स्टार्टिंग में हमारा आता है, तो वो सारी चीज वही आ गई है। ओके, तो ये अपडेट हो गया है, तो हम जाते हैं इसके सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे। तो ये गए और फर्मवेयर, तो पहले मेरा आ रहा था 1.05, अब आ गया 1.07। तो अब मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पूरा मेरा जो हेड यूनिट है रीसेट हो गया, कुछ ऐसा नया नहीं लग रहा। हाँ, थोड़े मेरे जो ये वर्ड्स हैं थोड़े शार्प हो गए हैं, टच थोड़ा स्मूथ हो गया है, प्लस ऐसा और कुछ भी कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं है कि खुल गया। हाँ, आईफोन के लिए बग्स जो हैं वो थोड़ा हो गया, और खासकर ब्लूटूथ का कुछ पंगा है, तो हम इसके अंदर ब्लूटूथ को भी अपडेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, देखते हैं। ऑलरेडी अपडेटेड है, तो डू नॉट इंजन, तो अपडेटिंग डू नॉट टर्न ऑफ द इंजन। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक ब्लूटूथ की फाइल भी है, तो आप ये करने के बाद ब्लूटूथ भी करेंगे तो अपडेटिंग हो रहा है सारा, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। तो ब्लूटूथ भी कम्प्लीटेड हो गया है दोस्तों, तो अभी कम्प्लीटेड आ रहा है, तो मैं अभी बुढ़ पंगा कुछ नहीं लेना चाह रहा। तो और कोई आता है कोई एक्शन तो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल मैं वेट करता हूँ इसका। तो कम से कम ब्लूटूथ अपडेट होने में मेरे को 2 या 3 मिनट लगे, प्रॉपर में लगे हैं, तो आगे देखते हैं, कुछ आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत देर वेट कर ली मैंने, कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो हम काटा मारते हैं। तो हमारा ये जो ब्लूटूथ वाला वर्जन भी है वो भी कंप्लीट हो गया है, तो इन्फॉर्मेशन, तो ये भी वर्जन आ गया, पहले कुछ और था और अब ये वाला वर्जन आ गया मेरा, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर सब कुछ। इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ नाम नहीं आया, कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं खुला, तो मेरे ख्याल से बग्स फिक्स होने वाला ही सारा ड्रामा है। तो ये अब हो गया, हाँ थोड़ा सा टच मेरा स्मूथ हो गया है, थोड़ा सा एक शार्पनेस आ गई है स्क्रीन के अंदर। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों, अपडेट कर दिया हमने सारा सब कुछ कर दिया। इन फ्यूचर अगर कुछ और अपडेट आता है, कुछ और आता है तो मैं आपको बताता रहूँगा। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके आगे लगे बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव, और हाँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।